हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद हारिस सुमैर है। मैंने इस बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 में 270 रैंक लाया है और मैं शहर बीदर दखन से ताल्लुक़ रखता हूँ। और मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ यंगस्टर्स को, स्पेशली हैदराबाद या आसपास के दक्कन वाले रीजन के लोगों को जिनका रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ या दूसरे सर्विसेज की तरफ उतना नहीं है। मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ एस्पिरेंट्स को कि आप डाइवर्सिफाइड फील्ड्स लें, सिर्फ इंजीनियरिंग और डॉक्टर पढ़ने तक महदूद ना रखें अपने आप को। बहुत सारे फील्ड्स हैं जो आप ले सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी छोटी सी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। मैं 2018 में इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट की अपनी रामैया कॉलेज बैंगलोर से कंप्यूटर साइंस में, और फिर मैंने 6 महीने इंटेल में जॉब की। और मेरे भाई मोहम्मद नदीमुद्दीन, ये भी सिविल सर्वेंट हैं, ये इंडियन पुलिस सर्विस में हैं, तो इन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए। तो फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और फिर मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में आ गया। और सबसे पहले तो मैं हमदर्द स्टडी सर्कल गया था 1 साल के लिए। अपना पहला अटैम्प्ट मैंने वहीं से रहते हुए दिया प्रीलिम्स का, और मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था फर्स्ट अटैम्प्ट में। बस 2-3 नंबर की वजह से मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था, बट मैं रेजिलिएंट था। मेरे भाई ने, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और फिर मैंने सेकेंड अटैम्प्ट का प्रीलिम्स जो है जामिया मिलिया इस्लामिया का रेसिडेंशियल कोचिंग अकेडमी में रहते हुए मैंने प्रीलिम्स दिया और मेरा प्रीलिम्स पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। एंड देन कोविड-19 लॉकडाउन लग गया तो हमें सबको घर वापस आना पड़ा था, घर से ही पढ़ना पड़ा था मेंस के लिए। तो घर पे तो एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा था, तो फिर मैं MSIS एकेडमी गया जो कि हैदराबाद में है। तो वहाँ पे मुझे डिस्टर्बेंस फ्री एनवायरनमेंट मिला और गाइडेंस मिला शाहिद सर से, अनवर सर से, लतीक सर से, मुअज्जम सर से। और वो गाइडेंस मेरे मेंस के एग्ज़ाम के टाइम पे इतना क्रूशियल था कि एक डिस्टर्बेंस फ्री और गाइडेंस था और डिस्टर्बेंस फ्री एनवायरनमेंट भी था। और साथ में मेरे और कंपनी भी थी, इशरत, रुमान, फैज़ान। मेरे दो दोस्तों का तो नहीं हो पाया डिस्पाइट देम गिविंग द इंटरव्यू, बट इंशाल्लाह उम्मीद है इस बार हो जाएगा। फैज़ान और मैं भी साथ में थे और हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरी जर्नी थी। हैदराबाद में मैंने रहते हुए अपना मेंस दिया और फिर इंटरव्यू के लिए मैं दिल्ली आ गया था वापस, ताकि मैं इधर मॉक इंटरव्यूज़ दे सकूँ। यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज़ का माहौल काफ़ी अच्छा होता है। तो मेरी ये जर्नी थी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की, छोटी सी जर्नी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और मैं चाहता हूँ कि और जो भी जो यंगस्टर्स हैं वो सिविल सर्विसेज में, डिफेंस सर्विसेज में, लॉ सर्विसेज में, जुडिशियल सर्विसेज में, पायलट में, अलग अलग जर्नलिज्म में, अलग अलग फील्ड्स को परसू करें, सिर्फ अपने आप को इंजीनियरिंग या डॉक्टरेट तक महदूद ना रखें। तो यही मेरा मैसेज था। थैंक यू।